नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सनस्टैट्स विद एस्ट्रो भरत। आज आपके सामने पार्ट टू ऑफ दैट हॉट फेवरेट टॉपिक, राहु सीक्रेट चीटिंग और चीटेड। हमने फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस कवर कर लिया, आज हम सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस कवर करेंगे। मान लीजिए सेवन्थ हाउस में राहु है, अब सिर्फ आप इसको अपने स्पाउस या बिजनेस की तरफ मत देखिए, सेवन्थ हाउस से बहुत सारे रिलेशन हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस से सेवन्थ हो गया तो आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस हो गया। आपकी मदर से फोर्थ यानी मदर की मदर, ग्रैंड मदर। आपका अगर यंगर सिबलिंग है तो यंगर सिबलिंग का फर्स्ट चाइल्ड हो गया। आपका अगर बच्चा है तो बच्चे का यंगर सिबलिंग यानी सेकंड चाइल्ड हो गया। एल्डर सिबलिंग है तो एल्डर सिबलिंग से नाइन्थ यानी एल्डर सिबलिंग का गुरु टीचर हो गया। फादर से इलेवेंथ एल्डर सिबलिंग ऑफ द फादर। और पब्लिक लाइफ भी आप इसमें देख सकते हैं बिकॉज टेंथ से टेंथ है, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जब राहु सेवंथ हाउस में आएगा तो आप देखिए कि आपके पार्टनर के साथ चीटिंग हो सकती है। सबसे पहली बात, पार्टनर आपका स्पाउस हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी राहु किस कहीं हाउस में होता है और वहां चीटिंग होती है तो उससे सेकंड हाउस पे रेपरकशन आता है। बहुत से ऐसे केसेस में मैंने देखा है, जब मेरे क्लाइंट आते हैं और उनके सेवंथ हाउस में राहु होता है तो मैं उनसे एक चीज पूछता हूं, क्या आपके पार्टनर के साथ यानी स्पाउस के साथ चीटिंग हुई, उनको बेवकूफ बनाया गया, और आपका जो ज्वाइंट एसेट है विच इज द एट्थ हाउस, वहां पर कुछ नुकसान आया? तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है बट हमारे स्पाउस को बेवकूफ बना के हमारा पैसा निकाला गया। तो सेवंथ हाउस में चीटिंग हुई, उसका असर सेवंथ मीडियम बना और असर एट्थ हाउस में आया, जो कि जॉइंट एसेट्स होते हैं या एसेट्स ऑफ द यू कैन से मैरिटल लाइफ, आपके पार्टनर के साथ जो एसेट्स है वहां पर होता है। सेवंथ हाउस से हम क्योंकि बिजनेस भी देखते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पब्लिक डीलिंग में आपके साथ चीटिंग हो सकती है बिकॉज सेवंथ हाउस इज पब्लिक लाइफ। अब सेवंथ हाउसेस में आपको मैंने जितने रिलेटिव्स बताए इनके साथ लाइफ में एटलीस्ट एक बार चीटिंग हो सकती है और आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीटिंग करते हैं, सेवंथ हाउस का राहु वैसे ही बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल देता है अगर बहुत सारे अदर कॉम्बिनेशन भी फेवरेबल हो तो, या फिर राहु बाउंड्री ब्रेक करता है तो अपने मैरिटल लाइफ के बाउंड्री के बाहर या कॉन्ट्रैक्ट आपके बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आप कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपको असर आता है। और असर कहाँ आएगा? एट्थ हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, सीधा एज पे अटैक करेगा राहु। एट्थ हाउस से हम क्रॉनिक डिजीज भी देखते हैं। तो ऐसे लोग जो सेवंथ हाउस से कनेक्टेड चीटिंग करते हैं या आप कभी करेंगे तो एट्थ हाउस सबसे पहले एफ्लिक्शन में आएगा, जो कि लॉन्गेविटी शो करता है और क्रॉनिक डिजीज। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो कि न्यूज़पेपर में भी फेमस है कि इस पर्सन ने अपने पार्टनर को चीट करा एंड आफ्टर मेनी ईयर्स बहुत जबरदस्त उसको बीमारी हुई, वो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज था जिससे रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि राहु के साथ आप छेड़ोगे वो यहाँ पर एट्थ हाउस पे आपको असर दिखाएगा। सेवंथ हाउस क्योंकि पार्टनर होता है और राहु की दृष्टि अपने से फिफ्थ सेवंथ एंड नाइन्थ में जाती है, तो मैं चाहूंगा एक बार अपने नाइन्थ एस्पेक्ट पे फोकस करें कि पार्टनर के साथ जो करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उस पर खासकर ध्यान दें। द मोमेंट यहाँ पर चीटिंग होने का टाइम आएगा और आप देखिएगा अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ या स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड कोई गड़बड़ आपको जरूर मिलेगी। साइनिंग प्रॉपर नहीं होगी, पेपर वर्क हो सकता है प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां पर आप खासकर ध्यान रखें। एट्थ हाउस में जब राहु होता है सडन इवेंट्स का, तो वैसे ही कारक है एट्थ हाउस इज सडन इवेंट्स। तो मैं इस हाउस पे एक चीज से फोकस करना चाहूंगा कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि इनहेरिटेंस सबको बराबर नहीं मिलता। बहुत सारे भाई बहन होते हैं, उनको जो इनहेरिटेंस मिलना होता है वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। पेरेंट्स कई बार बायस्ड हो जाते हैं या भाई बहन एक दूसरे का छीनने लग जाते हैं। और एट्थ हाउस से हम प्रॉपर दुख भी देखते हैं क्योंकि वो गड्ढा है, अगर कोई चीज गड्ढे में चलेगी तो दुख तो होता ही है। तो आपके इनहेरिटेंस में चीटिंग हो सकती है बट अगर आपके साथ चीटिंग हुई और जिसने करा उसका इमीडिएट एट से सेकंड यानी भाग्य खराब हो जाएगा, भाग्य से सब कुछ हो जाएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम हो, शौहरत हो, फैमिली लाइफ हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद भाग्य। और अगर एट्थ हाउस में किसी ने छेड़खानी करी तो उसका नाइन्थ हाउस स्पॉइल होता है। सो अगर आपके एट्थ हाउस में कहीं कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ उनके इनहेरिटेंस में हक मत मारना, नहीं तो सीधा का सीधा आपका नाइन्थ हाउस ऑफ भाग्य बिगड़ जाएगा। एट्थ हाउस से हम इंश्योरेंस भी देखते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे यू आर दी ओनली चाइल्ड एंड इनहेरिटेंस पूरा आपको मिलना है, उस केस में आप देखिए कि इंश्योरेंस पेपर्स में कहीं ना कहीं या इंश्योरेंस प्रीमियम में आपके साथ चीटिंग हो सकती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं बताते हैं कि ये पॉलिसी में से फॉर एग्जाम्पल 20,000 का प्रीमियम है, आप मार्केट में जाते हैं आपको पता लगता है सेम प्रोडक्ट आपको 16 या 17 में मिल सकता था बट आपको बेवकूफ बनाया गया। 8th हाउस से वो देखा जा सकता है। 8th हाउस से हम एक और चीज देखते हैं, क्रॉनिक डिजीज का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसी डिजीज जो इजिली डिफीट नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय तक चलती है या उसका क्योर नहीं हो पाता। 8th हाउस से हम शमशान घाट भी देखते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां बहुत ही सैड सिचुएशन है, पीपल आर टेकिंग दी बॉडी टूवर्ड्स शमशान घाट और वहां पे पिक पॉकेटिंग हुई। दो कॉम्बिनेशंस मेरे सामने आए थे व्हेन आई सॉ कि 8th हाउस में रहा होता, तो चीटिंग कहाँ हुई? 8th हाउस से कनेक्टेड प्लेसेस पे। 9th हाउस, अब आप देखेंगे फादर का होता है, वो आपके गुरु का भी होता है। 9th हाउस आपके भाग्य का होता है। इससे हम आपकी हायर एजुकेशन भी देखते हैं, फिलोसफी भी देखते हैं। राहु जब 9th हाउस में आता है तो चांसेस ये बनते हैं कि आप अपने टीचर के साथ चीटिंग कर सकते हैं। अब टीचर के साथ क्या चीटिंग करेंगे? आपको जो विद्या दी गई है उसका प्रॉपर यूज ना करना या फिर उसका डिसरेस्पेक्ट करना। अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, यू कैन स्टिल रेस्पेक्टेड, यू कैन स्टिल ट्राई नॉट टू से इल थिंग्स अबाउट इट। बट 9th हाउस वाले लोग, क्योंकि राहु बैरियर ब्रेक करता है ना, तो चीटिंग कैसे होगी? फादर के साथ चीटिंग हो सकती है, आप के भाग्य के साथ चीटिंग हो सकती है। आप कई बार देखोगे कि 9th हाउस वाले लोग कहते हैं मेरे भाग्य में ये था, ये होना चाहिए था बट मेरे भाग्य में ऐसा हुआ नहीं। आई शुड हैव रिसीव दिस, मेरे किस्मत में था, आई शुड हैव बिकम अ बिग पर्सन बट मैं नहीं बन पा रहा, भाग्य सपोर्ट नहीं दे रहा। आप देखोगे उनके 9th हाउस से कनेक्टेड राहु आपको जरूर मिलेगा, 9th लॉर्ड से कनेक्टेड मिलेगा। फादर के साथ चीटिंग होना, आपके साथ हायर एजुकेशन में चीटिंग होना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं, 9th हाउस राहु होता है, दे डूइंग वेरी गुड इन एजुकेशन बट कहीं ना कहीं उनके साथ एग्जामिनेशन में लोग उनका उनकी पढ़ाई का फायदा उठा लेते हैं। जो जो ऐसा करता है ना, उनका 10th हाउस सबसे पहले खराब होता है, वर्क लाइफ खराब होती है। 10th हाउस से हम स्टेटस भी देखते हैं, रिकग्निशन देखते हैं, आपका वर्क ऑफिस का एनवायरमेंट देखते हैं, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। सो 9th हाउस का राहु देखिए, वैसे भी त्रिकोण में राहु मैं कहता हूँ इस पे सबसे ज्यादा क्योंकि फोकस रखना, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी। धर्म से छेड़छाड़ करते ही आर्था त्रिकोण बिगड़ जाता है विच इज कनेक्टेड विद मनी। सो 9th हाउस विच इज धर्म त्रिकोण, अगर यहाँ पे चीटिंग आप किसी से करते हैं स्पेशली विद द फादर, उनके साथ झूठ बोलना या उनको कुछ हाइड करना, बिकॉज राहु हाइड्स थिंग्स राइट। सो अगर आपने फादर से बहुत सी चीजें छुपाई सो दैट आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाए, उसका इवेंचुअली आपके 10th हाउस ऑफ रेपुटेशन पे वर्क आता है। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जहां ये चोरी पकड़ी जाती है ना या ये चीटिंग पकड़ी जाती है, आप देखेंगे आपके फादर के साथ उनके कोई पार्टनर थे, उनके साथ चीटिंग हुई, तो लोग जो पर्सन चीटिंग करता है 10th हाउस से रिकग्निशन देखते हैं तो सोसाइटी में पूरी बदनामी हो जाती है कि इस फलाना पर्सन ने चीटिंग करी, इमीडिएट 10th हाउस पे असर आया। और क्योंकि रेप्यूटेशन मार्केट में खराब होती है तो उस पर्सन का बिजनेस डाउन होता है और आर्था त्रिकोण है तो पैसा भी डाउन हो जाएगा। 10th हाउस में राहु सब कहते हैं अच्छा काम करता है बट एक इसमें प्रॉब्लम है और वो ये है कि वर्क प्लेस पे चीटिंग एक बार जरूर होती है। लाइफ में वंस आपको मिलेगा कि वर्क प्लेस में कोई आपका कॉलीग आपका फायदा उठा के चला गया, आपसे काम करवा दिया और खुद अवार्ड ले गया या रेम्यूनरेशन ले गया, या फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके एम्प्लॉयज अपने बॉस से सारी चीजें हाइड कर देते हैं, पैसों की हेरा फेरी, अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी या फिर चीजें अच्छे से ना बताना, ये कॉमन सिम्टम होता है राहु का 10th हाउस में। वर्क प्लेस पे आपसे चीजें छुपाई जाएंगी और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एक तरह से वर्क प्लेस पे चीटिंग कर सकते हैं, बिकॉज राहु है तो चीटिंग होगी और चीटिंग हो सकती है आपके थ्रू भी। सो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है 10th हाउस या 10th लॉर्ड से जब राहु कनेक्टेड होता है तो वर्क लाइफ स्टेबल नहीं होती, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दे मेक प्रोमिसेस दैट विल टेक केयर ऑफ दिस वर्क या फिर वी विल टेक केयर ऑफ दिस बिजनेस, और उनके साथ जब चीटिंग होती है दे फील बैड एंड दे लीव देयर जॉब और देयर बिजनेस। तो जो 10th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, 10th हाउस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बहुत सोच समझ के सारी चीजों देख के हमेशा नहीं करता, लोग सडनली ज्यादातर करते हैं बिकॉज राहु शोज सडन इवेंट्स। सडनली जॉब छोड़ी आपने या सडनली जॉब में चीटिंग हुई, आपका इमीडिएट लॉस क्या होगा? 11th हाउस ऑफ अर्निंग्स सैलरी। वर्क प्लेस पे चीटिंग होते ही आप देखेंगे कि 11th हाउस से चीजें प्रॉब्लम आती हैं। जो लोग आपको वर्क प्लेस पे चीटिंग करेंगे ना,
आप देखेंगे शायद उनको शॉर्ट टर्म गेन मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो पैसे के मामले में मात ही खाएंगे। उनकी इंक्रीमेंट या तो टाइम भी नहीं होगी, या उनकी सेविंग्स में कमी आएगी, पर्क्स में कमी आएगी, या उनके नेटवर्क सर्कल में कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि 10,000 से हम काम देखते हैं, 11 से नेटवर्क, तो बहुत से लोगों को पता लग जाता है ये चोर आदमी है, ये काम में चोरी करता है, तो उसका नेटवर्क में इमेज खराब हो गया। ऐसा 10,000 का राहु का एक असर आता है। 11,000 से हम फ्रेंड सर्कल देखते हैं, नेटवर्क्स देखते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स देखते हैं। 11,000 में आप देखेंगे कि जब राहु आता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ऐसे निकलते हैं जो शो करते हैं वो आपके बहुत अच्छे वेल विशर हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज योर वेल विशर, वो आपसे कहीं काम निकलवाते हैं। तो जब वो आपके साथ चीटिंग करते हैं तो इसमें आपका लॉस क्या होता है, या आप उनके साथ चीटिंग करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। बहुत से दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं, या आपके बिजनेस प्रोफेशनल नेटवर्क पार्टनर्स आपको बोलते हैं, लेट्स इन्वेस्ट आर मनी हियर। आप उनको यहां सुनते हैं और चीटिंग किस तरीके से हो जाती है, आपने एक्सपेंस करा बाय एक्सपेक्टिंग कि 11,000 ऑफ गेन्स होगा, बट वो गेन्स होने के बजाय वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग, अगर आपका राहु इज इन द 11th हाउस, समवेयर यू विल लाई टू योर नेटवर्क सर्कल पीपल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल पीपल, उनसे चीजें छुपाना या उनके साथ झूठ बोलना, और आपके फ्रेंड सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे हु वुड बी इफ नॉट लायर्स देन वो चीजें छुपाएंगे, चीजें प्रॉपरली नहीं बताएंगे। इसका प्रॉब्लम कहाँ आएगा, एक्सपेंस। जब जब आप अपने नेटवर्क सर्कल में चीटिंग करेंगे आपसे करा जाएगा, तो एक्सपेंस इमीडिएटली बढ़ेगा। 12th हाउस इज फाइनल हाउस हमारे इस वीडियो का। एक्सपेंसेस शो होता है, फॉरेन कंट्री शो होती हैं, हम जब सोते हैं ना वो चीज भी हमारे 12th हाउस से शो होती है। 12th हाउस हिडन मैटर होते हैं और राहु भी वैसे चीजें हाइड करता है। 12th हाउस में जब आता है राहु, बहुत लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं एंड दे फाइंड लॉसेस, या फिर उनके साथ चोरी करी जाती है फॉरेन डॉक्यूमेंट्स में, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं चोरी होती है, या फिर उनको फॉरेन कंट्री में एक ना एक बार उनके साथ चीट करा जाता है। अब 12th हाउस का पर्सन चीट कैसे कर सकता है? अगर मान लीजिए किसी का 12th हाउस राहु है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो क्या चीटिंग कर रहे हैं? 12th हाउस एक्सपेंसेस होता है। ऐसे लोग या तो अपने एक्सपेंसेस इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे, दे आर लाइंग, राइट, राहु इज लाइंग, या फिर वो अपने एक्सपेंसेस इतना कम बताएंगे जितने हैं नहीं। सो एक्चुअल एक्सपेंसेस आर हियर, या तो उनको दे ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना बड़ा करके प्रेजेंट करेंगे, या फिर उनको छुपा देंगे। उसकी वजह से फर्स्ट हाउस सिर्फ हेल्थ नहीं होता, इससे हम फेम भी देखते हैं, स्टेटस भी देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक फ्रेमवर्क है और ये एंटायर चार्ट। इमीडिएटली हेल्थ में खराबी, या फिर नाम में खराबी, यार ये तो चीजें छुपाता है, एक्सपेंस छुपा दिया ना, पीपल कम टू नो। हॉस्पिटलाइजेशन, आप देखेंगे कि बहुत सारे रिश्तेदार कहते हैं कि ये बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, इसने बताया नहीं, हमें अगर बता देता तो कितना अच्छा रहता, हम हेल्प करते। तो इमीडिएटली आपके नाम पे प्रॉब्लम आई ना, उंगली कहां पर आई, नाम पे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हमें तकलीफ है, वी गॉट हॉस्पिटलाइज, या हमें डिजीज हो गई है, बट हम दूसरों को बता के परेशान नहीं करेंगे। एंड इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखा गया है कि रिश्तेदार एकदम सराउंड कर लेते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों पराया कर दिया, तो सीधा आपके ऊपर फिंगर आती है। फर्स्ट इज सेल्फ, राइट। सो अगर आपसे कोई 12th हाउस में चीटिंग करता है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा शो करेगा या कम करेगा और आपको बेवकूफ बना सकते हैं, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को प्रॉब्लम देंगे, इन द सेंस कि आप अपने एक्सपेंसेस जिसको एक्यूरेटली बताना होगा शायद आप ना बताएं, क्योंकि मैंने बोला स्लीप इज ऑल्सो सीन बाय 12th हाउस। तो या तो ये लोग जरूरत से ज्यादा सो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन सैटर्न वीनस, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेजीनेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका 12th हाउस का राहु है, यू विल चीट विद योर स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल या तो प्रॉपर नहीं होगी, या फिर आप ज्यादा सोएंगे एक्सेस में, या फिर बिल्कुल नहीं सोएंगे, बिकॉज यू बी वर्किंग वेरी हार्ड। फॉर वॉट? फॉर फर्स्ट हाउस, विच इज नेम, स्टेटस, बॉडी, आपका रिकग्निशन होना सोसाइटी में। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही है, ये किसी भी हाउस में होगा आप इजीली अप्लाई करके और अपने चार्ट में समझ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के चार्ट के लिए समझ सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को भी इस टेक्निक को यूज करके कुछ अच्छा बता सकते हैं कि उनको चीटिंग कहाँ हो सकती है और उन्होंने कहाँ नहीं करनी, क्योंकि अगर यहाँ चीटिंग होती तो राहु अपने सेकेंड हाउस को अफेक्ट करता है।
और आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने आपको हाउसेस बता दी हैं, तो कहीं ना कहीं उन राशि का भी इम्पैक्ट वही रहेगा। मान लीजिए राहु फोर्थ हाउस में है बट 10 नंबर राशि है, तो 10 नंबर राशि इट इज कनेक्टेड विद वर्क प्लेस विद योर करियर, तो घर के अंदर काम से रिलेटेड कोई चीटिंग हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर के अंदर प्रपोजल लेके आते हैं कि आप अपने काम में यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कई बार ऑफिस मीटिंग घर पे होती है, वहां पर उनके साथ चीटिंग होना या झूठ बोला जाना या फिर चीजें छुपाना। इन चीजों को अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे यू विल फाइंड दी आंसर्स ऑल बाय योरसेल्फ। सो इन दो वीडियोस के थ्रू आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टेक्निक कि राहु आपको यू शुड बी स्केर्ड, वो आपको ये बता रहा है कि आपके साथ चीटिंग कहाँ हो सकती है और आप कहाँ कर सकते हैं। डो नॉट गो फॉर द गिव एंड टेक रिलेशन, क्योंकि हर एक बंदा गिव एंड टेक नहीं कर पाता। और अगर आप कहीं भी कर्जा लेते हैं ना, राहु जहीं जहां पर ही बैठा है उससे कनेक्टेड कोई कर्जा लेते हैं और उसको चुकाते नहीं है, कर्जा किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी का नाम इस्तेमाल कर लेना। 10th हाउस राहु आपके नाम को इस्तेमाल करके लोग फायदा ले लेते हैं। बिजनेस में अगर आपका नाम अच्छा है या जॉब में अच्छा है तो मैं इस पर्सन को जानता हूं, सेम चीज 11th हाउस में होती है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू, विल कम अप विद ब्रिलियंट अदर वीडियोज जहां पे बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हम यूज करेंगे और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।